दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं यानी कि शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन पेमेंट करते टाइम जब वहाँ पे आप ईएमआई के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं और आपको वहाँ पे अपनी जेस्ट मनी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों की प्रॉब्लम आ रही है कि वो ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वो अपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को एड करने के बाद ईएमआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर उन्हें जेस्ट मनी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं कि ऑप्शन आपको क्यों नहीं देखने को मिल रहा है और आप इसे किस तरह से अपने अमेजोन या फिर अपने फ्लिपकार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं लेकिन आपको वहां पे जेस्ट मनी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा अपने ईएमआई वाले सेक्शन में तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों कि जैसे चलिए सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको उस प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना जिस प्रोडक्ट को आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ से कोई भी मोबाइल आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये मोबाइल मैंने ऐड किया। जैसे आप इसको एड टू कार्ट करते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है बाय नाउ का और सेकंड आपको मिलता है पे विथ ईएमआई। लेकिन अगर आपको यहाँ पे विथ ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको सिंपली यहाँ पे बाय नाउ पे टैप करना है। बाय नाउ पे टैप करेंगे तो आपका एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल आपकी समरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आपका अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे टैप करना है। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उसमें आपके प्रोडक्ट की पूरी डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे बता दी जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने पूरे पेमेंट ऑप्शन आ चुके हैं यूपीआई वगैरह वैलेट वगैरह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम वगैरह लेकिन हमें यहाँ पे ईएमआई की ऑप्शन को सर्च करना है। तो थोड़ा नीचे की साइड आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इजी इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली जैसे कि चलिए मैं ईएमआई को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमआई को सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर कहीं भी हमें जेस्ट मनी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इसका कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपका जेस्ट मनी पे अकाउंट है और वो एक्टिव अकाउंट है तो आपको यहाँ पे शो होगा। लेकिन काफी दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है काफी दिनों से कि उनका जेस्ट मनी का अकाउंट भी क्रिएट है और उन्होंने उसको एक्टिव भी किया हुआ है और अपने फोन में लॉगिन भी है लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पे ईएमआई वाले ऑप्शन में जेस्ट मनी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे भी जेस्ट मनी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो मैंने जेस्ट मनी के कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी कुछ हफ्तों से यानी कि 2-3 वीक से यहाँ पर जेस्ट मनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए टेम्परेरी अभी उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अभी आप अमेजोन से शॉपिंग करें या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें आपको यहाँ पे ईएमआई वाले सेक्शन में जेस्ट मनी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक सोल्व हो जाएगी तो वो बोल रहे थे कि कम से कम टाइम में इसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। 1 या 2 वीक में इस प्रॉब्लम को यहाँ पे 100% फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको अपने अमेजोन या फिर अपने फ्लिपकार्ट में किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते टाइम ईएमआई के ऑप्शन में आपको जेस्ट मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको जेस्ट मनी का ऑप्शन यहाँ पे क्यों देखने को नहीं मिल रहा है और ये आपको कब और कैसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।